હાય હું છું આકાશ ઝાલા, તમે મને જી હેલારો અફરા તફરી ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મો અભિનય કરતા જોયો છે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, જેડબલી અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. હાય સ્ટુડન્ટ્સ, સોહમ સર, ફિઝિક્સ એક્સપર્ટ, આરાધ્ય ક્લાસીસ. હા, આજ દોસ્ત ઇસ વિડીયો મેં છોટા સા વિડીયો 4-5-6 મિનિટ કા ફિઝિક્સ 11th સાયન્સ ચેપ્ટર 4 કા એક્સરસાઇઝ કા 18th સમ હૈ, UCM સે રિલેટેડ સમ હૈ, યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર મોશન. तो मैं सम स्टार्ट करूं उससे पहले तुझे छोटा सा रैपिड रिवीजन UCM का दे देता हूं. हाँ, क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ये रहा सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल ट्रैक पे घूमता है ऐसे. हाँ, और यूनिफॉर्म से मतलब उसका स्पीड नहीं बदलता है. स्पीड जैसे 7 है ना, तो हर पॉइंट पे 7 ही रहता है. ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्पीड कम हो गया 6 हो गया तो फिर ये यूनिफॉर्म नहीं है. तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, सर्कुलर है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है. हाँ, तो स्पीड नहीं बदलना चाहिए. स्पीड नहीं बदलता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है. देख, जैसे अकॉर्डिंग टू टेंजेंट यहाँ पे सब जगह डायरेक्शन बदलता है लेकिन स्पीड नहीं बदलता है. हाँ, अब UCM में एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, टूवर्ड्स द सेंटर. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑल्सो. उसका भी फार्मूला है v² / r या फिर r ω² भी है. इसमें जो ओमेगा ना, इसके बड़े चर्चे हैं. हाँ, ओमेगा को हम θ/t भी ले सकते हैं, 2π/t भी ले सकते हैं. क्यों? तो थियरी में बहुत समझाया है, थियरी का वीडियो देख ले. UCM 30 मिनट का वीडियो डाला है UCM पे. हाँ, एक और फार्मूला है जिसको हम हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, v = r ω. ये खास याद रहना चाहिए, रोटेशनल मोशन में बहुत काम आएगा. ठीक है दोस्त, तो UCM का बेसिक फंडा तो आ गया सब, कि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, सर्कुलर ट्रैक पे कॉन्स्टेंट स्पीड से घूमना चाहिए, है ना. चल, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये सारा आइडिया हमारे दिमाग में हो तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो UCM का है, ला UCM के फॉर्मूले लगा देता हूँ. ऐसे पढ़ाई होती है, रट्टा नहीं मारते. हाँ, चल अब देख, क्या ये वाली सिचुएशन कॉन्स्टेंट स्पीड और सर्कुलर ट्रैक के इस क्वेश्चन में मैच हो रही है? हो रही होगी तो हम इसी से करेंगे. ठीक है, चल आ जा दोस्त. देख, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विद अ स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर. हो गया ना UCM? कैसे? अरे यार, हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर मतलब सर्कुलर घूम रहा है, स्टेडी स्पीड मतलब एक ही स्पीड से, मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड 900, तो हो गया ना. यस, तो दिस इज द क्लीन केस ऑफ UCM. ओके, तो UCM से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले मुझे इस डेटा के साथ दिक्कत है. अरे किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर क्या सब दे देते हैं. चल डेटा को रिपेयर करते आ जा. स्पीड क्या है? 900 किलोमीटर पर आवर. अब हम सब जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मीटर, 3600 देंगे तो हो जाएगा सेकंड. लेकिन हमको जनरली ये लंबा पड़ता है ना, तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रख ले. ये सारा सॉल्व हो गया ना, 5/18 क्या आएगा? 5/18. तो नेक्स्ट टाइम किलोमीटर पर आवर के साथ डील हो ना, तो सीधा 5/18 से काम कर, तेरा काम हो जाएगा. ले, 18 × 5 = 90, 250 मीटर पर सेकेंड स्पीड है उसका भी. ठीक है, फिर रेडियस क्या है? 1 किलोमीटर. रेडियस क्या है? 1 किलोमीटर. नहीं चलेगा, 1000 मीटर हो जाएगा. चल जाएगा. ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो ले लिया. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंपेयर इट्स सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास दो टाइप का एक्सेलरेशन, एक तो घूम रहा है तो सेंट्रीपेटल है, और एक ग्रेविटी नीचे खींचेगा ना उसको, तो ग्रेविटी वाला तो 9.8 है ना. अरे यार, ले टाइटल लगा देता हूँ इधर ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. पूरी दुनिया को पता है जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो पता है. ठीक है, तो सेंट्रीपेटल ढूंढ ले. तो चल ढूंढ लेते हैं, आ जा, टाइटल लगा दे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, है ना. चल, फॉर्मूला
ये ले लूँ ना वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि अपने पास वी है और आर है, तो रख के सीधा कंप्यूट करेंगे उसको. वी स्क्वायर बाय आर, हाउ मच वी इज देयर, इट इज 250, इट इज 250, रेडियस इज 1000 मीटर, 000 कैंसिल, 625 डिवाइड बाई 10, सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपेटल विल बी 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थोड़ा स्पीड तो चाहिए ना ऐसे यार. हाँ, तो ये हो गया तेरा इक्वेशन वन, ये हो गया तेरा इक्वेशन टू. हम मतलब उल्टे सर है, पहले इक्वेशन टू लाते फिर वन लाते. अब दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर के लिए दोनों का रेशियो ले लो. कैसे कंपेयर करेंगे, इसको ऊपर रख ले और जी को नीचे रख ले. ये हो गया तेरा 62.5 और जी हो गया तेरा 9.8. इस कंपेरिजन में से कुछ निकलेगा ना, जी को सामने डाल देना आंसर. बोल दोस्त, अच्छा लगा ना तरीका, तेरे को पूरा आइडेंटिफाई किया ना कि यूसी में फिर फॉर्मूले को हाथ लगाए ना. तो पढ़ाई दोस्त ऐसे ही होता है, समझ के करना होता है, रट्टा नहीं मारना होता है. चल अच्छा लगा तो ठोक दे कमेंट में कि सर मज़ा आ गया ना. चल बाय.